साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफी नैब एक्मे तरामीम के बाद मुकदमे के सिलसिले में रिलीफ लेने वाले की फहरिस्त में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से रिलीफ मांगते हुए प्लाट अलाटमेंट के लिए इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ रुपए इख्तियार किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया है। एहतसाब अदालत 3 मुल्जिमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। तहरीक इंसाफ आज रहीम यार खान में सियासी पंडाल सजाएगी। इमरान खान ने कारकुनों के नाम पैगाम में जलसे का मकसद अपने कौम को हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करना है। जलसा में